हाँ जी सत श्री अकाल जी दोस्तों, स्वागत है डायगरी फिर तो तुम देख रहे हो जी लर्न सिंपल। तो अब आप पढ़ने जा रहे हैं जी कंप्यूटर के टॉप 20 MCQs से सारे ही क्वेश्चन जोड़े बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट आडे एग्जाम के लिए। तो अब आप लैके जी तीजा पार्ट अपनी वीडियो का। जे तुम हाले तक भी पहले दो पार्ट जोड़े नहीं देखे तो उपर आई बटन का निशान जोड़ा बनया हुआ उसे क्लिक करके जोड़ा पहले दो पार्ट भी देख सकते हो। तो लो बिना देरी शुरू करते हैं जी। फर्स्ट क्वेश्चन है जी आइडेंटिफाई दी डिवाइस थ्रू विच डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर एंटर इन टू अ कंप्यूटर। कहते वो डिवाइस आइडेंटिफाई करो जिदे नाल अपना डाटा ज इंस्ट्रक्शन जीडिया कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हैं। हाँ जी दोस्तों, जिहड़ियां ऑप्शनस आ तुहाडी स्क्रीन ते डिस्प्ले हो गई जी, तो तुसीं जिहड़ा अपना आंसर आ नालों नाल ही कमेंट बॉक्स के एंटर कर सकते हो, चैक कर सकते हो। हाँ जी दोस्तों, इहदा जिहड़ा राइट आंसर हो जूगा जी इनपुट डिवाइस। दोस्तों आप इनपुट डिवाइस के थ्रू ही कंप्यूटर के जिहड़ा डाटा आ वो एंटर करते हैं। तुसीं देख सकते हो कि किहड़ियां-किहड़ियां जिहड़ियां इनपुट डिवाइसिज़ हैगियां, जिद्दां माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक, ठीक है, ये सारे जिहड़े हैगे अपनी इनपुट डिवाइस हैं। हाँ जी दोस्तों, पढ़ते हैं नैक्सट क्वेश्चन। नैक्सट क्वेश्चन पढ़ने तो पहले जेकर दोस्तों तुसीं साडे चैनल दे विच नवे हो तो साडे चैनल नूं सबसक्राइब कर दिओ, बैल आइकन के उपर भी क्लिक कर दिओ तो जो जल्दी तो जल्दी जिहड़ी भी असीं वीडियो पावांगे उहदी जिहड़ी अपडेट आ तुहानूं सब तो पहला मिल सके। दोस्तों जेकर वीडियो वधिया लगी तो वीडियो नूं लाइक तो कमेंट करके जरूर दस्सिओ। तो पढ़ते जी नैक्सट क्वेश्चन। नेम ऑफ द स्क्रीन दैट रिकोगनाइज टच इनपुट इज। कहिंदे उस स्क्रीन नूं की नाम, उस स्क्रीन का की नाम आ डैट रिकोगनाइज टच इनपुट, जिहदी जिहड़ी आ टच इनपुट लैंदी आ। तो दोस्तों जिहड़ियां ऑप्शनस आ तुहाडी स्क्रीन के उपर डिस्प्ले हो चुकी आ, तो तुसीं जिहड़ा अपना आंसर आ उह जल्दी तो जल्दी जिहड़ा आ दस सकते हो। हाँ जी, इहदा जिहड़ा राइट आंसर हो जूगा जी टच स्क्रीन। दोस्तों पढ़ते हैं नैक्सट क्वेश्चन। कंप्यूटर मोनीटर इज ऑलसो नोन एज। ऑप्शन जीडिया ताड़ी स्क्रीन ते डिस्प्ले हो चुकी हैं जी। कहिंदे कंप्यूटर दे जिहड़ा मोनीटर हैगा उहनू होर किस नाम दे नाल जाणिया जांदा आ, ते दोस्तों जिहड़ियां ऑप्शन आ तुसीं देख सकते हो। हाँ जी, इहदा राइट आंसर हो जूगा जी BDU। दोस्तों इहदी फुल फॉर्म हैगी आ विजुअल डिस्प्ले यूनिट। जेकर पेपर दे विच क्वेश्चन आ जांदा कि BDU स्टैंड फॉर जां फुल फॉर्म ऑफ BDU ते तुसीं उहदा राइट आंसर कर देना जी विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ते ये आउटपुट डिवाइस होंगी आ मोनीटर। नैक्सट पढ़ते हैं जी। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर द यूनिट्स ऑफ मैमरी TV, KV, GV, MB। हाँ जी, सब तो पहला दोस्तों ऑप्शन देख लेंगे। तो क्वेश्चन जिहड़ा की कह रहा कि असेंडिंग ते डिसेंडिंग ऑर्डर दो तरह का ऑर्डर होंगे। असेंडिंग ऑर्डर आप बोलते हैं जी जिदा नाम की अपने कोई लिस्ट आपू की करना असेंडिंग ऑर्डर से करना, पहला ए वाले अल्फाबेट वाले नाम जोड़े आ जाएंगे, फिर बी वाले, फिर सी वाले। इस तरीके डिसेंडिंग होंगे वह उल्ट, पहला लास्ट जेड वाले, फिर वाई वाले, फिर उस तरीके चलता नंबर अपने को। हूँ कहें कि जी मैमरी दी यूनिट है टेराबाइट, KV किलोबाइट, GV गीगाबाइट, MB मैगाबाइट, इन्हों असेंडिंग ऑर्डर करना। दोस्तों जोड़ा साइन नीचे देखो पिया हुआ आ वो ग्रेटर दैन का साइन, जिदा पहला जोड़ा ऑप्शन है कि उस कह रहा कि TV जी वी MB तो, हाँ जी बिल्कुल सही आ, बट MB जी हैगी GV तो। दोस्तों ये गलत आंसर हो जाएगा। राइट आंसर की होगा, यदा राइट आंसर होगा जी सी ऑप्शन, प्लस टेराबाइट जी हैगी ये वड्डी हैगी आ GB तो, GV जी वड्डी हैगी आ MB तो, MB जी वड्डी हैगी आ KV तो। दोस्तों एक होर इनफॉर्मेशन देना, 1024 KV की 1 MB बनती है, तो 1024 MB की 1 GB बनती है, तो 1024 GB की 1 TV बनती है। इस करके राइट आंसर सी ऑप्शन हो जूगा। हाँ जी पढ़ते हैं दोस्तों नैक्सट क्वेश्चन। 8 bits मेक अप आ। दोस्तों ऑप्शन जिहड़ियां तुहाडी स्क्रीन ते डिस्प्ले है जी। दोस्तों सब तो छोटी जिहड़ी यूनिट हैगी मैमरी दी वो बिट हैगी आ, ते कहिंदे 8 bit नूं की नाम दिता गया आ। दोस्तों 8 bit दा जिहड़ा 1 byte बन जांदा, इस करके इहदा राइट आंसर हो जूगा जी 1 byte जां कल्ला वाइट जिहड़ा हैगा। 8 bit जिहड़ियां इक्को हुंदियां 1 byte दे। दोस्तों पढ़ते हैं नैक्सट क्वेश्चन। द प्रिंटड आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर इज कॉल्ड। ते ऑप्शन दोस्तों तुहाडी स्क्रीन ते डिस्प्ले हो चुकी आ जी। हाँ जी, कहिंदे जिहड़ी आपां कंप्यूटर दे विचों प्रिंट कढ लैंदे आ उहनां नूं की कहिंदे आ। दोस्तों उहदा राइट आंसर हो जूगा जी हार्ड कॉपी।
ठीक है जी, जिहड़े भी आपां प्रिंटर आपां कंप्यूटर दे विच आपां कोई फाइल हैगी उहनूं आपां प्रिंट कढ़ा लिया तो वह की होजूगी हार्ड कॉपी बन जूगी। जिन्ना चेर बच्चे कंप्यूटर के अंदर से वो सॉफ्ट कॉपी सी, तो जो आप प्रिंट कढ़वा लिया वह हार्ड कॉपी बन गई। हाँ जी, पढ़ते नैक्सट क्वेश्चन। वट इज़ द इंटरसैक्शन ऑफ आ कॉलम एंड आ रो ऑन अ वर्कशीट कॉल्ड। दोस्तों ऑप्शन ताकि स्क्रीन पर डिस्प्ले है जी, कहें कॉलम तो रो के इंटरसैक्शन की कहेंदे आ वर्कशीट के एक्सल की गल हो रही है, जी एक्सल की शीट होंगी वर्कशीट बोलते हैं, वो आप देखिए निक्किया निक्किया डब्बिया होंदिया उन्होंने की कहेंदे आ। दोस्तों जोड़े डायग्राम के देख लो तो क्लीयर हो जूगा बिल्कुल कि यदा राइट आंसर क्यों होगा। देखो एक्सल दे विच इस तरीके की जी हुंदी आ, जिहड़ा सैल जिहड़ा तुसी देख सकते हो जो डार्क किया होया आ इहनूं आपां सैल बोलते हैं, रोज ते कॉलम्स दे जिहड़े इंटरसैक्शन इहनूं आपां सैल बोलते, इस करके इहदा राइट आंसर हो जूगा सैल। तो दोस्तों पढ़ते हैं नैक्सट क्वेश्चन। विच फंक्शन इन एक्सल टेल्स हाउ मैनी न्यूमेरिक एंट्रीज आर देयर। दोस्तों एक्सल का किहड़ा फंक्शन हैगा जिहड़ा आपां नूं के नंबर दीआं एंट्रियां दस दिंदा कि इह इन्नियां नमेरिक एंट्रियां हैगियां। तो दोस्तों ऑप्शन तुहाडी स्क्रीन ते आ ते तुसी देख सकते हो। हाँ जी, इहदा जिहड़ा राइट आंसर होगा जी आपां तुहानूं प्रैक्टिकली दिखा दिंदे आ। पिक्चर दे विच देखो जिदा एक एंट्री हैगी 11 दी, एक हैगी आ 22 दी, एक हैगी आ 34 दी, ते फॉर्मूला ला दिता काउंट का, ते उस तों बाद इहने काउंट करके दस दिता 1 2 3। इहदा राइट आंसर देखो तुहानूं पता की लग जूगा, ती दस दिंदा 3 एंट्रियां, मतलब कि दसदा कि जिन्नियां नंबर एंट्रियां उन्हां नूं काउंट करके दस दिंदा कि किन्नियां एंट्रियां, इस करके इहदा राइट आंसर हो जूगा जी काउंट। दोस्तों पढ़ते हैं नैक्सट क्वेश्चन। रा फैक्ट्स एंड फिगर्स आर कॉल्ड। दोस्तों ऑप्शन साडी स्क्रीन पर डिस्प्ले है जी, तो तुसीं अपना आंसर जिहड़ा पिक कर सकते हो। कहिंदे रा फैक्ट्स एंड फिगर्स आर कॉल्ड, की कहिंदे आ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स नूं। दोस्तों इहदा राइट आंसर हो जूगा जी डाटा, डेटा बोलते हैं आप रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो तुम देख सकते हो जी जिदा मान लो कोई एग्जाम्पल हैगी 25 लिखता 26 लिख दिता, इतों अपन एक क्लीयर नहीं हो रहा कि 25 और 26 की आ, ये कोई डेट आ कि नंबर हैगी आ कोई कि एज आ की चीज़ हैगी अपन पता नहीं लगता पा, इस करके आप डाटा बोलते हैं कि है अपना डाटा। पर दोस्तों जेकर आप 25 या 26 के उपर एज लिख दईए अपन पता लगता कि यह हैगा कि आ एज आ 25 ते 26, इस करके की बन गया अपने को बोलते हैं जी हैगी इनफॉर्मेशन। डाटा दी प्रोसैस फॉर्म नू आपां इनफॉर्मेशन बोलते हैं। क्लीयर हो गया जी, चलो पढ़ते हैं जी नैक्सट क्वेश्चन। आफ्टर प्रोसैसिंग इनपुट कंप्यूटर गिवस अस सम यूजफुल रिजल्ट विच इज़ कॉल्ड। दोस्तों ऑप्शन साड़ी स्क्रीन पर डिस्प्ले है जी, कहिंदे प्रोसैसिंग करन तो बाद जिहड़ा इनपुट कंप्यूटर गिवस अस सम यूजफुल रिजल्ट, जिहड़ा आपां नूं कंप्यूटर रिजल्ट दिंदा उहनूं की कहिंदे आ। दोस्तों इहदा जिहड़ा राइट आंसर हो जूगा जी सी ऑप्शन आउटपुट, इहदा राइट आंसर हैगा जी आउटपुट। इनपुट तो बाद आपां नूं प्रोसैसिंग होने तो बाद जिहड़ा डाटा मिलता वो आउटपुट हुंदी आ। नैक्सट जिहड़ा क्वेश्चन तुहाडी स्क्रीन ते डिस्प्ले है जी, ऑर्गनाइज एंड प्रोसैस्ड डाटा इज। दोस्तों ऑप्शन तुहाडी स्क्रीन ते डिस्प्ले हो चुकी हैं, आपां हुणे पढ़ पढ़ के हटे हाँ कि जिहड़ा प्रोसैस फॉर्म ऑफ डाटा इज कॉल्ड इनफॉर्मेशन, इस करके तो राइट आंसर हो जूगा जी इनफॉर्मेशन। आप पढ़िया सीगा ना पहला कि आप दस्सिया सी कि 25 26 कि डाटा आ, जो आप एज लिख दिता तो आपको पता लग गया कि एक भी एज दस रहा 25 26, इस करके प्रोसैसड फॉर्म ऑफ डाटा इज कॉल्ड इनफॉर्मेशन। नैक्सट पढ़ते हैं जी, फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। दोस्तों ऑप्शन ताकि स्क्रीन पर डिस्प्ले है जी, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हैगा तो यदा आंसर दे सकते हो। हाँ जी, इहदा जिहड़ा राइट आंसर हो जूगा जी एक फिजिकल पार्ट जिहड़े कंप्यूटर के होंदे आ उहनूं की बोलदे आ आपां। हाँ जी, राइट आंसर हो जूगा जी हार्डवेयर। दोस्तों जिहड़े फिजिकल पार्ट्स आपां कह सकते कि स्पीकर हो गया, सीपीयू हो गया, मोनीटर हो गया, कीबोर्ड माउस, ये सारे हार्डवेयर डिवाइस आ जिन्हां नूं आपां छू सकते हैं, जिन्हां नूं आपां टच कर सकते हैं, उहनूं हार्डवेयर डिवाइस बोलदे आ। जिहड़ियां डिवाइस नूं आपां छू नहीं सकते, जिन्हां आपां हाथ च नहीं फड़ सकते, उहनूं सॉफ्टवेयर बोलदे आ आपां। दोस्तों पढ़दे आ नैक्सट क्वेश्चन। What is the smallest unit of the information? दोस्तों ऑप्शन जिहड़ियां तुहाडी स्क्रीन के उपर डिस्प्ले हो चुकी हैं, तो क्वेश्चन थोड़ा जिहा गलत है जी। इहदे विच आपां पुछणा सी वट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मैमरी, मैमरी की जिहड़ी आ सब तो छोटी जिहड़ी यूनिट वह कि हैगी आ। दोस्तों ऑप्शन जिहड़ियां तुहाडी स्क्रीन पर आ, तो हाँ जी इहदा राइट आंसर हो जूगा जी बिट, इहदा राइट आंसर की हो जूगा बिट, सब तो छोटी यूनिट जिहड़ी मैमरी की हुंदी आ वह मैमरी हुंदी आ। दोस्तों पढ़ते हैं नैक्सट क्वेश्चन।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंशन ऑफ नोटपैड. आप दसना कि नोटपैड की जी एक्सटेंशन है वह की होंगी है. जिदा देखो वर्ड के जी आप फाइल बनाई दी एक्सटेंशन होंगी है डॉट डी ओ सी डॉकूमेंट फाइल. जी आप पावर पॉइंट बनाई दी होंगी है डॉट पी वी टी. जो एक्सल बनाई दी होंगी डॉट एक्स एल एस. इस तरीके कहें जी नोटपैड में आप फाइल बनाते एक्सटेंशन की है यदा राइट आंसर हो जाएगा जी डॉट टी एक्स सी टैक्सट फाइल होंगी है वह. हाँ जी दोस्तों पढ़ते हैं नैक्सट क्वेश्चन. What is the mean of the booting in the system? दोस्तों options ताड़ी स्क्रीन पर डिस्प्ले है जी. बूटिंग कहते कि मतलब की होंगे बूटिंग का. दोस्तों इहदा जिहड़ा राइट आंसर हो जूगा जी रीस्टार्टिंग द कंप्यूटर. तो पढ़ते हैं नैक्सट क्वेश्चन. ए कंप्यूटर इज एक्यूरेट बट इफ द रिजल्ट ऑफ अ कंप्यूटेशन इज फॉल्स वट इज़ द मेन रीजन फॉर इट. दोस्तों कहते कंप्यूटर जिहड़ा है आपां नूं पता कि वह एक्यूरेट आपां नूं रिजल्ट दिंदा. बट इफ द रिजल्ट ऑफ कंप्यूटेशन इज फॉल्स जे कहते अपना जो रिजल्ट आ जे मान लो मैं किया 5+5 किया जे अपन रिजल्ट जो गलत मिल रहा तो वट इज़ द मेन रीजन फॉर इट कि मेन रीजन की हो सकता कि अपना रिजल्ट गलत आया. दोस्तों ऑप्शन ताकि स्क्रीन पर आते ऑप्शन देखने के दे नाल ही अपना आंसर दे सकते हो. हाँ जी यदा राइट आंसर हो जाएगा जी इनकरैक्ट डाटा एंट्री. दोस्तों आप कुछ ना कुछ जो नंबर है वो गलत पा दिता होगा वो करके कंप्यूटर जो आप गलत आउटपुट दे रहा. अदरवाइज जो कंप्यूटर है वो एक्यूरेट रिजल्ट दिता आपां नूं जो आप डाटा एंटर करोंगे उन्हें उन्होंने प्रोसैस करके जो आप रिजल्ट दे देना. हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन देते हैं. हाउ मैनी बाइट्स डज 4 kilobytes रिप्रजेंट्स. दोस्तों कहते कि जी 4 KB के जड़िया है कि बाइट्स होंदिया आप दसनिया. तो ऑप्शन दोस्तों ताकि स्क्रीन पर डिस्प्ले आ तो यू कैलकुलेट करके जो आंसर दे सकते हो. हाँ जी आपको पता कि एक जी के अपनी KB हैगी 1024 bytes होंदिया ने. तो इस करके आप करना जी 4 multiply कर देना 1024 तो अपने को राइट आंसर आ जूगा जी 4096 एक करके एक जी 4 KB है जी 4096 bytes होंदिया ने. दोस्तों पढ़ते हैं नैक्सट क्वेश्चन. जंक ईमेल इज ऑलसो कॉल्ड. दोस्तों ऑप्शन ताकि स्क्रीन पर डिस्प्ले है जी. जंक मेल्स होंदिया जिन्होंने आप अनवॉन्टड मेल्स बोल दें उन्होंने की कहेंगे. दोस्तों वो जड़िया स्पैम होंदिया ने. आप जीमेल देखते हैं एक स्पैम नाम का फोल्डर होंगे जिहड़ियां अनवॉन्टड मेल्स होंगे जंक ईमेल्स होंदिया सीधिया स्पैम के ही चल जाएं ने. दोस्तों पढ़ते हैं नैक्सट क्वेश्चन. ए डैश इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज टू व्यू वैब पेजिज. कहते जो वैब पेजिज है वो कि सॉफ्टवेयर आ जिदे आप व्यू होंगे. तो दोस्तों ऑप्शन जी स्क्रीन के उपर डिस्प्ले आ जी तो अपना आंसर दे सकते हो. तुम देखो जी यू आप सोल्व करते सिंपल जहा कि जो तुम इंटरनेट यूज करना तो करते हो. हाँ जी तो राइट आंसर हो जाएगा जी ब्राउजर ओपन करते हैं. दोस्तों ब्राउजर दी एग्जाम्पल्स कि सफारी गूगल क्रोम मोजिला फायरफॉक्स इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपेरा मिनी ये सारे जोड़े है अपने ब्राउजर आ. जो भी आप वैब पेजिज व्यू करते हो तो आप ब्राउजर ओपन करते हो. नैक्सट क्वेश्चन.